वालेकुम, ईद मुबारक सबको। बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हो आप सबको। तो वही सब लोग रेडी हो चुके होंगे, ऑफकोर्स ही मैं भी रेडी हो चुकी हूँ। एंड देन हमारी जो छोटी बहन है वो बस थोड़ी देर में रेडी हो जाएगी और फिर वो भी मुझे ज्वाइन करेगी इस वीडियो में। तो वही हमारे सबसे पहले मेहमान आना शुरू हो जाएंगे, थोड़ी देर में मेहमान आना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले हमारे मामू वाले, फिर हमारे कजन्स, तो बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा। तो मैंने सोचा मैं जो है वो स्टार्ट का व्लॉगिंग का स्टार्ट जो है वो अभी बना लूँ आप लोगों के लिए। तो भाई मैं रेडी हो चुकी हूँ, तो आप बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। ओके जी, तो हमारी छोटी बहन आ चुकी है रेडी होके। रेडी एक घंटा पहले ही हो चुकी थी, लेकिन इनका फोटोशूट ही खत्म नहीं हो रहा था। तो वो पिक्चर जो है वो एंड में हम दोनों की, मैंने अपनी खुद ली है, इनकी मैंने ली है। इतना फोटोशूट करते रहे एक तो मुझे लंबी भी लगती है। मैंने कुछ पहना भी नहीं जी। आई मेंशन्ड कि मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है। छोटी हो या बड़ी? मैं बड़ी हूँ, मेरी बहन है छोटी है। तो भाई ईद जो है वो शुरू हो चुकी है। इनको टाइम इसलिए लग गया क्योंकि मेहमान आ गए थे, तो उनके लिए फिर किचन में चीज़ें वगैरह बनानी होती हैं। तो मैं बना रही थी चीज़ें, तो बहुत जुल्म हुआ है इनके साथ, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है इनके साथ। तो भाई अब टाइम है कि हम लोग अपने कज़न्स को कॉल करें और उनको ईद मुबारक बोलें। जाहिर सी बात है, एक साथ तो सबके घर नहीं जा सकते ना, तो आप पहले ईद मुबारक बोल दें मोबाइल पे, फिर हम कल या फिर परसों जो 3 दिन होते हैं मेन, तो फिर हम इधर उधर उधर घूमेंगे। आज भी हम लोग जाएंगे, अपनी नानी के घर जाएंगे, हम नीचे जाएंगे, पार्क जाएंगे, तो वो भी सब शेयर करेंगे आपके साथ। ओके जी, तो टाइम हो चुका है कि हम कुछ खा लें क्योंकि सुबह से लगे हुए थे। ये आ गई हमारी बहना लेकर सारा। ये मेरी छोटी बहन है लेकिन काम सारे बड़ी बहनों वाले। क्या लाई है? बिरयानी, रसमलाई, कस्टर्ड, हलवा पूड़ी भी थी जो सबको जिन्होंने खुद बनाया है। रसमलाई मैंने बनाई है, रसमलाई मैंने बनाई थी रात में। द ओनली थिंग विच आई कैन प्रिपेयर बाई माई सेल्फ इज रसमलाई। जी, तो सबसे छोटी मेहमान आ गई है हमारी। ये हमारी सबसे यंगेस्ट कज़न सिस्टर है, मामू की बेटी है युसरा। इसकी और वीडियोस भी आपने देखी होंगी जो ईद ही हमने दी थी। शी इज़ वेयरिंग अ फ्रॉक। बेबी हाय, आ जाए। इनकी बड़ी बहन भी आ गई है हमारे। तो ये है हमारा क्यूटी पाय छोटू सा मोटू सा बेबी। बेबी बाय बाय। हमारी दूसरी कज़न सिस्टर है इसरा, ये है युसरा, ये है हमारी दोनों कज़न सिस्टर। ये है बड़ी इसरा और ये है छोटी युसरा। से हाय इसरा, से हाय। हाय, ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, लाइक करें जल्दी लाइक करें। बच्ची ने बोला है तो लाइक करना पड़ेगा, जल्दी लाइक करें। ईश्वरी जी, थैंक यू। तो ये हमें ईदी देने आई है। बेओ भी है। तो गाइस, हमारे एक और कजन हमारे साथ आ गए हैं ईद मिलने। हियर इट कम्स, सलमान अहमद। हाय। हाय, ईद मुबारक अहमद। ईद मुबारक। इतना लेट हो गए आप, ये वैसे सबसे पहले आने वाले होते हैं ये और बाकी मामू वाले सब। तो ये मेरी खाला के बेटे हैं, तो ये लोग सब पहले आ जाते हैं, बट इस बार लेट हो गए। क्यों लेट हुए? क्योंकि मैं देर से उठा हूँ। देर से उठे हैं ये नवाबजादे, तो इसलिए ये जो है वो लेट। हाँ, और हमारे मामू भी लेट उठे हैं। हमारे मामू भी लेट उठे, सारे लेट उठे हैं बच्चों समेत। हाय बेबी, हमारा बच्चा फिर से आ गया। बेबी हाय क्यों? तो भाई ये मुझे छोटा है बट हमेशा मुझे ईदी देता है, तो भाई ईदी ये मुझे हमेशा ईदी देता है। नोटेड, भले जितने भी दे लेकिन मुझे आके देता है कि बाजी ये आपकी ईदी है, तो ये ईदी है। थैंक यू, वेलकम। यहाँ हम तीनों बच्चों को नीचे पार्क में ले आए थे ताकि वो थोड़ा सा खेल लें, इंजॉय कर लें।
तो यहाँ पे सारे बच्चे आए हुए थे, हमारे बच्चों समेत बहुत सारे और भी बच्चे थे जो गेम्स खेल रहे थे, फुटबॉल वगैरह। तो हवा भी बहुत अच्छी चल रही थी, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह से ईद पे। तो हम घर वापस आ चुके हैं नानी के घर से। अभी हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में।